हेलो वेलकम टू साइंस मैग्नेट कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे हैं और आप सभी स्वस्थ हैं ठीक है तो बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी तो आपको जैसा कि पता है कि हम 12 बजे रीजनिंग पढ़ते हैं और रीजनिंग की क्लास नंबर आपकी 14 रहने वाली है और हमने कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था उस चैप्टर का नाम क्या है कोडिंग एंड डिकोडिंग जिसमें हमने कल वाली जो क्लास थी आपको खुद को पता है बिल्कुल कल वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ लिया था सर कल वाली क्लास में हमने बेसिक देखा था सर कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुट अप होते हैं क्या क्या पूछा जाता है तो बिल्कुल हमने कल इस बात पर चर्चा करी थी तो आप सभी पहले तो इस सेशन को शेयर कर दीजिए ठीक है और आपको मैं बता दूं कि आपको पीडीएफ देखिए मैं बार बार कमेंट जो करते हैं नीचे तो उनके लिए है कि जब भी आपको पीडीएफ चाहिए तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए नया चैनल आप सभी के लिए बनाया गया मैथ और रीजनिंग की जो पीडीएफ होती है वो रेलवे साइंस मैग्नेट पर आप जाके देख सकते हैं क्यू कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर आप वहां पर सर्च करके जुड़ सकते हैं ठीक है बिल्कुल तो देखिए आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको कल वाली जो क्लास थी उसमें अंदर क्या क्या पढ़ा दिया था वो देखिए मैं तो आपको देखिए एक मिनट अब कल जो एक बच्चा था उस नाम में देख लेता हूँ हरेंद्र मीणा के नाम से एक कमेंट आ रखा है बहुत से कमेंट आ गुड आफ्टरनून सली देखिए एक है पंकज मीणा के नाम से कमेंट है कि उसने कम से कम 10 से 12 कमेंट कर दिए कि सर आपने रिपीटेड सीरीज में क्वेश्चंस पर एक मिस्टेक थी यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं डाउट क्लियर कर लीजिए जिसका डाउट था तो देखिए यहां पर लिखा हुआ था कि उपरोक्त व्यवस्था में राइट right साइड से मतलब दाएं छोर से क्या था से तेरवा लेटर था और दाएं छोर से वापस छठा लेटर के बाएं से दसवा तत्व कौन सा है ये आपसे पूछा गया था तो मैंने आपको क्या बताया था जब सदी से सेम डायरेक्शन होती है चाहे लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस राइट राइट है तो माइनस सर होता है यदि डिफरेंट डायरेक्शन होता है तो लेफ्ट प्लस राइट होता है और डिफरेंट डायरेक्शन में राइट प्लस लेफ्ट होता है तो आपको खुद को ये बात पता होनी चाहिए कि सर यहां पर दे रखा है रा, लेफ्ट राइट और राइट तो पहले तो आप क्या करोगे सर राइट और राइट को माइनस कर दोगे और यहां पर सर आगे क्या दिया हुआ है लेफ्ट दिया हुआ है तो आप क्या करोगे प्लस लेफ्ट कर दोगे और क्वेश्चन का आंसर कहां से करना है शुरुआत में जो दे रखा है वहीं से इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो आपको पता है सबसे पहले से 13 आ चुका था वहां पर माइनस छह कर देंगे प्लस क्या हो जाएगा आगे दसवा है तो आप टोटल क्या करोगे सर तेरह में से छह गया सात और फिर दसवा लेफ्ट में चलना है तो इसका मतलब टोटल हमें क्या है सर लेटर बताना है सत्रवा जो तत्व बताना है कहां से सर सा राइट साइड से तो आप बिल्कुल सत्रवा था तो बताएंगे उसको हम गिन लेंगे आराम से तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थीन फोर्टीन सिक्सटीन सेवनटीन तो सेवनटीन पर क्या आ गया जेड आ गया तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जेड आ गया तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपका डाउट क्लियर होगा एक और कमेंट आ रखा था कि सर जो आपने होमवर्क में जो दो क्वेश्चन दिए थे वो बिल्कुल आप समझा दीजिए मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने आपको दो क्वेश्चन आपको बताया जब भी हम क्लास करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल क्या करता हूं देखो चंदा सिंह का आया सर कल का जो आपने एसडब्ल्यू वाला लास्ट क्वेश्चन दिया था उसको आप ले ली समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए थे कि सर पिंक को क्या लिखा जाता है इस तरह से कोड भाषा में लिखा जाता है तो आपको बोलेंगे सर इसको कौन सी लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा तो आपको मैंने बताया था कि हम जब कोडिंग एंड डिकोडिंग स्टार्ट किया था तो मैंने कल क्या बताया कि सर यहाँ पर बहुत से टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैंने आपको टोटल आठ टाइप से मैंने आपको कल बताया कि सर आठ टाइप से आपके में जाते हैं। लेकिन और भी नए नए पैटर्न बनते हैं तो है है डायरेक्ट एक होता है सर सीधे पैटर्न से डायरेक्ट आपसे प्लस माइनस करके क्वेश्चन पूछ सकता है वो सर एक होता है तिरछा पैटर्न तिरछा पैटर्न का मतलब होता है कल मैंने आपको बताया कल वाली जो क्लास है वो आप आराम से देख के आइए ठीक है बिल्कुल होता है यहाँ पर ठीक है और एक मैंने आपको बताया सर ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं आपने देखा होगा इस तरह से क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल तो वो मैंने आपको बताया था तीन पैटर्न में मैंने क्वेश्चन करवाए थे यहां पर आप देख सकते हैं कि सर यहाँ लिखा हुआ है पिंक और पिंक को क्या लिखा हुआ है सर सबसे पहले क्या है सर 16 साल का प्रिंस होता है आई नो नो पर आता है ये 14 पर आता है और ये सेवन पर आता है ठीक है बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को समझेंगे जिनके जो होमवर्क वाला एसडब्ल्यू वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ क्लास के अंदर ठीक है तो आप क्या देखेंगे कि सर यहां पर लिखा हुआ है क्यू क्या लिखा हुआ क्यू तो सर ये सोलह पर आ रहा है कहीं ना कहीं तो इसका मतलब सर पी के क्या है प्लस वन किया होगा प्लस वन किया होगा तो सर यहाँ लिख दिया उसने Q. Q लिखने के बाद में सर इसने क्या किया यहाँ पर इसकी क्या है यहाँ पर टोटल लिख दी है टोटल लिख दी तो कितनी होती है सर सात होती है वन प्लस छह सात सर यहां पर आई है आई में प्लस वन करेंगे तो क्या आता है सर जे आता है और एज इट इज यहाँ पे नाइन लिख दिया है ओके सर यहां देख लेते हैं हम चौदह के बाद में सर पंद्रह क्या था ओ आता है इस, इसकी टोटल करेंगे वन प्लस फोर तो सर फाइव आ गया उसी प्रकार जी के आगे अब देखो यहाँ पर ओ आ चुका है ठीक है यहां देखिए के दिया हुआ है एक मिनट पिंक है ना बिल्कुल मैंने एक I मिनट mean, के है यहां पर तो मैंने क्या लिख दिया सर पिंक अब के, के आगे सर यहाँ पर क्या है बारह नंबर पर एल आता है और एल के बाद में आप देख सकते हैं यहां पर ये वन और वन प्लस वन क्योंकि इलेवन पर है तो यहाँ पे दो आ गया तो बस इस तरह से पर क्या है कोडिंग चल रही थी तो आपको क्या करना है? पर आर रिगिट को भी क्या करना है तो आप क्या करोगे सर, आर से क्या है एक, एक एक्स्ट्रा लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा सर आर के बाद में एस आता है एस और इस टोटल करेंगे तो सर ये आ जाएगा नाइन ओके सर यहाँ पर आई के आई के बाद में सर जे आता है टोटल क्या करोगे नाइन आ जाएगा अब आप क्वेश्चन में देखोगे सर यहाँ पर एट आ रहा है तो सर इसको हटाओ आप सर देखो यहाँ पर क्या कहा, कहा? तीन ऑप्शन मिल रहे हैं तो आगे चलेंगे जी के बाद में सर एच आता है और फिर आप क्या करोगे सेवन का सेवन लिख दोगे तो एच सेवन यहाँ पर भी है एच सेवन एच सेवन तीनों ऑप्शन में आगे चलेंगे सर आगे क्या है आई के बाद में सर जे आता है और फिर क्या है यहाँ पर नाइन आ जाएगा तो जे नाइन यहाँ पर जे एट दे रखा है ये जे एट दे रखा है और ये जे नाइन और जे नाइन अब फिर लास्ट में क्या होगा ई आ जाएगा और फोर आ जाएगा और ऑप्शन आंसर आ गया ए तो बस इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए आ चुका है उम्मीद कर रहा हूं जिसका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा ठीक है एक क्वेश्चन और मैंने देखो ये क्वेश्चन हो चुका है ठीक है ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया है अब देखिए आज की क्लास में हम क्या क्या नई नई चीजें सीखने वाले हैं वो आप आराम से हेडिंग डालिए टोटल हमने आठ जो टाइप बनते हैं मैंने क्या देखी पहले वाले जो पहले जो कोडिंग हमारी चल रही थी वो क्या चल रही थी सर लेटर बेस्ट चल रही थी बिल्कुल चल रही थी लेटर बेस्ड कोडिंग ये आता है लेटर बेस्ड कोडिंग अब लेटर बेस्ड कोडिंग में मैंने आपको टोटल कितने टाइप करा दिए थे सर आपने आठ टाइप कंप्लीट करा दिए थे क्या सर और भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं बिल्कुल बनते हैं तो आप आराम से क्या है देखिए मैं आपके सामने टाइप नंबर क्या है आज हमारा टाइप नंबर नाइन है सर बिल्कुल इतने टाइप करा दूंगा कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि आप कंप्लीटली क्लास देखते हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, आपको देखना है।, सर, टाइम, यहाँ पर आप है टी आई एम टाइम अब टाइम को क्या लिखा हुआ है यहां पर सर एच लिखा हुआ है देखिए क्वेश्चन पहला मैं आपको करवा रहा हूं कि सर टाइम को लिखा हुआ है एच है यहां पर सर एस है यहां पर डी है

ये एक वर्ड आता है ट्रांसफर अब ट्रांसफर को किस भाषा में लिखा हुआ है वो आप देखेंगे ट्रांसफर को लिखा हुआ है सर टी यहां पे लिखा हुआ है सर ए आर फिर लिखा हुआ है एस एन फिर लिखा हुआ है ई एफ और फिर लिखा हुआ है आर ठीक है तो अब ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि सर आप ये बताइए इसको क्या लिखा जाएगा बताइए आपके सामने वर्ड दिए हुए तो क्या आंसर होगा सर पीडीएफ नहीं मिलता है कहां से ले पीडीएफ के लिए मैंने आपको भी बताया था टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए साइंस मैग्नेट आप सर्च कर लीजिए या फिर एट द रेट रेलवे मैग्नेट देखिए यहां पर आप देखेंगे कि सर ये देखिए आई है यहां पर नौ पर ये टी ट्वेंटी पर आ रहा है सर ये आ रहा है यहाँ पर तेरह पर आ रहा है ये पांच पर आ रहा है ठीक है और ये सर आठ पर आ रहा है ये उन्नीस पर आ रहा है ये चार पर आ रहा है और ये बारह पर आ रहा है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सर यहां पर देखेंगे आई से क्या हुआ एच पर आया टी से क्या हुआ एस पर आया तो सर दोनों में क्या हुआ सर माइनस वन और माइनस वन हुआ इसी प्रकार सर यहां पर भी क्या हो जाएगा दोनों में माइनस वन और माइनस वन आ गया ठीक है तो आप तो प्रकार सर यहां आ, यहां एच आ जाएगा सर यह सत्रह पर आ जाएगा क्यू सर यहाँ जी सेवन पर आता है तो सिक्स पर एफ आ जाएगा और यहाँ पर एम पर यह आ जाएगा तो सर एक ये बिल्कुल यहाँ पर इस तरह भी बिल्कुल कोडिंग आपकी बनती है ठीक है यहां पर बात करते हैं ट्रांसफर को क्या लिखा हुआ है सर ये वाला लिखा हुआ वा है तो आपको खुद को पता है सर ये टी ट्वेंटी है ये सर अट्ठारह पर आता है ये वन पर आता है ये फोर्टीन पर आता है ये उन्नीस पर आता है और ये सिक्स पर आता है ये फाइव पर आता है और ये एटीन पर आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखो इसका मतलब सर ए या हुआ आर ऐसे हुआ है सर एस ऐसे हुआ है एन ऐसे हुआ है बिल्कुल ई e, ऐसे हुआ है सर एफ ऐसे हुआ है ठीक है बिल्कुल और आर को इसने एज इट इज रखा है और टी को भी इसने क्या रखा है एज इट इज रखा है बिल्कुल यहां पर आर और, और उसमें क्या किया सेम रखा है और आगे चलने पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया सर कैलेंडर को क्या लिखा जाएगा तो आपको क्या करना है सर सी को तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है एडिजिट रखना है तो सर यहां पर आ जाएगा एल ए तो एल ए यहां पर आ गया सर फिर आ जाएगा एन और ई ये एन और ई आ गया फिर सर आ जाएगा ई e और डी आ जाएगा और आर को सर इसने कुछ भी नहीं छेड़ा एज इट इज रख दिया हा। तो बिल्कुल तो आपको ध्यान रखना है सर ऐसे टाइप के भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक है तो बिल्कुल हम बात करते हैं टाइप नंबर टेन अब टाइप नंबर टेन के अंदर भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताने वाला हूं कि सर एग्जाम में कैसे देखिए अब आप एक और चलते हैं आगे सर टाइप नंबर टेन अब आप टाइप नंबर टेन लीजिए कि सर टाइप नंबर टेन का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ठीक है ये देख लीजिए टाइप नंबर टेन में मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि सर यहाँ लिखा हुआ है मंकी क्या लिखा हुआ है सर मंकी अब मंकी को क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कोड लिखा हुआ है सर एक्स लिखा हुआ है सर डी लिखा हुआ है यहाँ पर जे लिखा हुआ है यहाँ पे एम लिखा हुआ है यहाँ पे एन लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है एल ठीक है सर और मैं आपको बोलू सर टाइगर को क्या लिखा जाएगा टाइगर को क्या लिखा जाएगा ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ठीक है बिल्कुल ठीक है एक क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर वन मैंने आपको दे दिया अब क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछूंगा आप ये बताएंगे मैं आपको बोलू मैं आपको बोलू सर यहाँ वर्ड लिखा हुआ है आर ई एस ओ एन आई एन जी अब देखिए यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है मैं आपको बोलू G N I N O R E A S एक ये इसको रीजनिंग को यदि इस कोड में लिखा जाता है तो मैं आपको बोलता हूं कि सर आप ये बताएंगे कि सर इंटरनेशनल को क्या लिखा जाएगा तो इंटरनेशनल को क्या लिखा जाएगा तो ठीक है अब आपको ध्यान रखना है कि सर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा इंटरनेशनल को क्या लिखा जाएगा तो इस बात को आपको ध्यान रखना है तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है सर प्लीज सर तीस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाइए दूसरे टाइम पर बिल्कुल मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा आज वाली जो क्लास है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आने वाले हैं अब देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि सर यह मंकी को यह लिखा हुआ है तो सबसे पहले सर हमें इसकी नंबरिंग याद होनी चाहिए मेरा तेरा सर इजोटी में पंद्रह पर आता है ओ ये सर चौदह पर आता है ये ग्यारह पर आता है ये पांच पर आता है और ये सर पच्चीस पर आता है यहाँ देखेंगे सर चौबीस दिया हुआ है यहाँ चार है यहाँ दस पर आता है यहाँ तेरह पर आता है सर और यहाँ किस पर आता है सर फोर्टीन पर आता है ये ट्वेल्व पर आता है ठीक है बिल्कुल तो आपको इस बात का ध्यान रखना है सर ऐसे क्वेश्चन में आप

यहां पर सर आप देखेंगे सात पर जी आता है तो सर एफ पर क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा सर ये नौ पर आता है तो एच क्या आ जाएगा सर आपका आठ पर आ जाएगा सर ये ट्वेंटी पर आता है तो एस क्या आ जाएगा आपका उन्नीस पर आ जाएगा ठीक है बिल्कुल अब आप इस क्वेश्चन का आप बताएंगे इस कमेंट करके सर इस क्वेश्चन रीजनिंग को यदि ये लिखा गया है इस कोड भाषा में ये कोड दिया गया है ये कूट भाषा में यदि ये लिखा जाता है तो इंटरनेशनल को बताइए क्या लिखा जाएगा आप जल्दी बताइए कमेंट करके कि सर बिल्कुल बता पाएंगे कोई इश्यू है तो बताइए जल्दी बताइए बहुत बढ़िया तो आपको ध्यान रखना बिल्कुल एक नेहा रोही का भी कमेंट आ गया है। जे का भी कमेंट आ गया तो आपको यह ध्यान रखना है कि सर देखिए यहां देखिए सर ओ को तो बिल्कुल इसने चेंज नहीं किया है नहीं किया सर और पीछे वाले लेटर क्या एन आई एन जी तो इसने क्या किया सर जी ये एन ये आई और ये यहां पर आना आ तो सर ये जो वर्ड थे ये पर इसने लिख दिए और आर ई एस को डायरेक्ट इसने क्या लिख दिया यहां पर लिख दिया बिल्कुल लिख दिया तो उसी प्रकार हम इंटरनेशनल में ऐसा करने वाले हैं इंटरनेशनल में क्या करेंगे पहले आप वर्डों को गिनेंगे सर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह वर्ड है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह वर्ड दे रहे तो इसका मतलब सर हमने क्या किया छे छे वर्ड को आपने क्या किया यहाँ पे अलग कर लीजिए तो सर देखो तीन तो ये हो गए और तीन ये हो गए अब ए का क्या करना है सर ए बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा सर जी। और ये फिर क्या आपके वर्ड दे रखे तो इन वर्ड की शुरुआत कैसे करनी है सर ये बिल्कुल पे पीछे से थे तो बिल्कुल सर आई आ जाएगा और ये टी आ जाएगा और ए को क्या है सर एज इट इज रखना है यहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा तो उसी प्रकार सर यहां पर देख सकते हैं कि इंटर यहाँ पे इंटर तो आपको क्या करना है

तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही है बिल्कुल ठीक है तो ये देखिए ये क्या है एग्जाम का ही लेवल होता है पॉइंट ऑफ व्यू केवल अभी तो हम केवल एक अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहां पर मैं आपको केवल बेसिक पढ़ा रहा हूँ आप अभी क्वेश्चन भी करेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन बना पाएंगे देखिए मेरा टारगेट क्या है क्लास में ही आपके प्रीसियर के क्वेश्चन बनने चाहिए तभी आपको लगना चाहिए सर कंटेंट कैसा दे रहे हैं ठीक है तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया सर आप बोलेंगे अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ अलग से अलग से करवाता हूं सर टाइप नंबर इलेवन टाइप नंबर इलेवन आप हेडिंग डाल लीजिए जो भी आप मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं कि प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए क्योंकि प्रॉपर नोट्स बनाएंगे प्रॉपर तरीके से तभी आपके एग्जाम में चीजें आएगी सलीका सर, सर आपने प्रीवियस वाले वीडियो को कैसे देखे मैंने आज ही ज्वाइन किया देखिए शत्रुघ्न जी आप जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं आप प्ले में जाएंगे तो मैंने चार घंटे की मैराथन ली है आपके लिए चार घंटे की मैराथन ली है उस चार घंटे की मैराथन में मैंने पूरे पी वाई क्यों लिए हैं जो अच्छे लेवल के आपके एग्जाम में आते हैं कंप्लीट यहां को जाके आज ही देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन क्वेश्चनों की भी हमने टेलीग्राम पर डाल रखी है तो वहां से आप डाउनलोड करके उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं देखिए टाइप नंबर इलेवन में एक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है यहां पर यहां पर दिया हुआ है सर चैप्टर अब चैप्टर दिया हुआ था चैप्टर को कैसे लिखा जाएगा आप ये बताइए सर चैप्टर को लिखा जाएगा सी लिखा जाएगा सर एच लिखा जाएगा यहाँ पर सर ए लिखा जाएगा यहाँ पर सर जी लिखा जाएगा सर यहाँ पे बी लिखा जाएगा यहाँ पे ए e लिखा जाएगा यहाँ पे आई लिखा जाएगा ठीक है ये आपके सामने चैप्टर हो गया और मैं आपको कि सर इसी से एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इस ऊट भाषा में चैप्टर को ये लिखा गया है तो मैं आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता हूं क्या आप ये बताएंगे एक छोटा सा क्वेश्चन है देखिए ये आगे चैप्टर हो गया तो देखिए एक सर क्यू यूस टी आई ओवन सर क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा आपको खुद को बताया यदि मैं लिख के पढ़ा रहा हूं तो आपको पता है मेरी माइंड में भी चीजें कैलकुलेशन चलती रहती है डायरेक्ट मैं आपके सामने क्वेश्चन बनाता हूं तो इसलिए हल्का सा मुझे टाइम लेना पड़ता है कि माइंड में यार ये लॉजिक लग सकता है इसलिए मैं क्वेश्चंस खुद के माइंड से मैं आपको बना के यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूं कि जिससे आपको कोई परेशानी ना हो ठीक है तो लॉजिक क्या चल रहा है वो देखिए सर ये तीन पर आ रहा है ये आठ पर आ रहा है सर ये वन पर आ रहा है सर ये सोलह पर आता है ये ट्वेंटी पर आता है सर ये फाइव पर आता है और ये एटीन पर आता है आप चीजों को समझने की कोशिश कर सर क्वेश्चन नंबर वन हो गया अब क्वेश्चन नंबर टू में आपको यहां लिख देता हूं बढ़िया तरीके से एक और पैटर्न फॉलो होता है उस पैटर्न को भी मैं आपको बताऊंगा पहले आपकी सर लिखा हुआ आपको कॉन्सेट बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू बढ़िया आप देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ बढ़िया ढंग से वो क्वेश्चन आप सभी को लिखना है देखिए डायरेक्ट एग्जाम में आता है उस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ जी देखिए जनरल की देखो आपको मैं दे, देखो ये क्वेश्चन आप सभी को करना है आप बताएंगे जल्दी क्या होगा यहां पे मैंने आपको लिखा सर जनरल अब जर्नल को क्या लिखा गया है वो देखिए मैं आपको बताता हूँ जर्नल को लिखा गया है सर जी लिखा गया है सर ई लिखा गया है यहाँ पे लिखा ए लिखा गया है सर डी लिखा गया है सर यहाँ पे ई लिखा गया है सर यहाँ पे ए लिखा गया है एच लिखा गया है सर ए लिखा गया है सर यहाँ पे ए लिखा गया है फिर सर यहाँ पे बी लिखा गया है ये क्या है सर इस जर्नल को इस तरह से कोड भाषा में लिखा गया है तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या आप ये बताइए सर कंक्लूजन को क्या लिखा जाएगा कंक्लूजन को क्या लिखा जाएगा इसका क्वेश्चन आप सभी को करना है कि सर क्या आंसर आएगा तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सर यहाँ पर यहां पर क्या दे रखा है सर इस वाले पॉइंट को ये लिखा गया है तो आपको ध्यान रखना है कि सर ये देखो ये तीन पर है सर ये आठ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ सर ये भी वन पे था लेकिन ये सेवन पर आ चुका है सर सर ये बिल्कुल यहाँ पे टू पर आ चुका है सर ये फाइव पर आ चुका है सर ये नौ पर आ चुका है तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यदि आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद है उसका रिवर्स लेटर याद है तो आपको आराम से क्वेश्चन बनेंगे तो आपको क्या करना है वहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि सर ये तीन पर था लेकिन यहां देखे एक चीज का ध्यान रखें सर ये वन था और ये सिक्स था अब इसको टोटल करके क्या किया इसने टोटल करके सर से सेवन कर दिया तो यहाँ पर टी दो प्लस जीरो, क्या दिया? जीरो आता है, आई कर दिया तो उसी प्रकार यहां पे क्वेश्चंस था तो क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा सर सत्रह पर आता है सत्रह का मतलब क्या हो गया आठ पर क्या आ गया सर एच आ गया बिल्कुल सर ये क्या आता है सत्रह पर आता है तो वन प्लस सेवन करके मैंने आठ पर बता दिया एच ये इक्कीस पर आता है तो दो प्लस एक तीन तीन करके क्या हो जाएगा सर सी हो चुका है बिल्कुल सर यहां पर ई एफ ई का ई e रहेगा कोई चेंजेस नहीं हो गया एस का मतलब होता है सर वन प्लस नाइन टेन पर क्या गया? J आ गया सर जे आ गया सर टू प्लस जीरो टू पर आ गया बी सर नौ पर आई रहेगा कोई चेंजेस नहीं होगा पंद्रह का मतलब होता है सर एक पर आता है देखो पंद्रह पंद्रह का मतलब होता है वन प्लस फाइव सिक्स सिक्स पर क्या आता है सर एफ आ जाता है सर एन का मतलब फोर्टीन होता है फोर्टीन वन प्लस फोर फाइव पर क्या जाएगा? E आ जाएगा ई आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया सर ये पैटर्न भी आपके एग्जाम में आता है इस बात को ये आपको ध्यान रखना है अब देखिए ये बिल्कुल सेम ऐसा नहीं है लेकिन लगता ऐसा है मगर चीजें चेंजेज होगी अब देखिए यहां इस पैटर्न को क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना आप देखिए यहां लिखा हुआ है सर जर्नल को यदि ये कोड दिया जाता है तो आपसे पूछा गया सर कंक्लूजन को क्या लिखा जाएगा तो आपका क्या होना चाहिए इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सर यहां पर मैं पॉइंट ऑफ व्यू करूं सर देखो ये जी सेवन पर आता है बिल्कुल है सर ये फाइव है ये फोर्टीन है ये फाइव है सर ये एटीन है ये वन है और ये क्या आ जाएगा सर ट्वेल्व है ठीक है ये आ गया अब आप देखेंगे सर ये सेवन का सेवन था ये फाइव का फाइव है अब आपको ध्यान रखना है इसने क्या किया एन एन क्या आ रहा है सर फोर्टीन पर आ रहा है सर आपका क्या एन किस पर आ रहा है सर फोर्टीन पर आ रहा है का मतलब वन और प्लस फोर तो अब इसने क्या किया इसने अलग अलग कोड दे दिया इसको ए और डी उसी प्रकार से इसने आगे भी ऐसा किया है क्या कि आर तो आर का मतलब क्या होता है आर किस पर आता है सर 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 आप बोलोगे एक तो वन और 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 पर पर आता है 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 इसको इसको उसने कोड दी दिया ए, और इसको दे दिया सर, एच। क्या ए और दिया है? बिल्कुल दिया दे क्या क्या तो बिल्कुल तोड़ दिया पर सर, को किया उसी प्रकार में भी हम सेम ऐसा ही करने वाले हैं एक बार आपको ध्यान रखना सर पहले वाला समझो एक बार पहले वाला वापस समझ लीजिए आपको ध्यान रखना है यहां पर से थ्री पर सी था एच पर एट था ये वन का वन हो चुका है अब आप देखो सोलह सोलह पर पी आ रहा है, टी टू, प्लस जीरो, टू, आ है टू पर बी आ गया आ, ई फाइव पे था फाइव यहाँ पर आर अठारह अट्ठारह का मतलब वन प्लस एट नाइन नाइन का मतलब आई हो गया तो उसी प्रकार आपको यहां देना था सत्रह सत्रह का प्लस करोगे तो एच इक्कीस का प्लस करोगे सी ये फाइव उन्नीस का करो दस दस पर जे आ रहा है एक मिनट रुको रुको बिल्कुल हाँ यहाँ पर एक चीज को समझना हाँ एक मिनट बिल्कुल बिल्कुल आप समझ गए मैं आपके बात को आपका डाउट यहां आया है कि सर ये आपने जे क्यों किया जे नहीं होगा बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि देखो तो वन प्लस नाइन करेंगे तो दस, दस 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 का मतलब होता है वन प्लस जीरो वन होता है वन का मतलब सर ए आ चुका है बिल्कुल ए आ चुका है सर टी दो आ चुका है आई आ चुका है चौदह का मतलब होता है सर वन प्लस फोर फाइव आ चुका है पंद्रह का मतलब वन प्लस सिक्स आया बिल्कुल सही बात है यहाँ पर आ जाएगा ए बिल्कुल ठीक है जे पर टेन था वन प्लस जीरो वन वन का मतलब होता है ए ठीक है अब देखिए यहां पर एक यह चीज देखेंगे सर यहां पर क्या हो रहा था अलग अलग पार्ट के डिवाइड कर दिया तो सर ये तीन पर है ये पंद्रह पर है ये सर चौदह पर है ये तीन पर है ये बारह पर है ये इक्कीस पर है ये उन्नीस पर है ये नौ पर है ये पंद्रह पर है और ये चौदह पर है ठीक है अब आपको क्या करना है यहां पर अलग अलग लिखना है सर ये आ गया सी का मतलब हो गया सी का सी रहेगा अब पंद्रह का मतलब सर वन पर क्या जाएगा ए फाइव पर जाएगा ई तो आएगा सर ए और फाइव पर आ गया ए ओके सर यहां चौदह पर था सर वन पर ए आ जाएगा फोर पर आ जाएगा डी फिर सर सी एज इट इज रहेगा बारह मतलब का मतलब होता है सर ए और बी क्योंकि वन पर आता है ए टू पर आ गया सर इक्कीस का मतलब होता है दो पर आ जाएगा बी और वन पर आ जाएगा ए सर उन्नीस का मतलब होता है वन पर आ जाएगा ए और नाइन का मतलब हो गया सर आई ठीक है फिर सर नाइन अभी आ गया सर आई एज इट इज आई रहेगा तो आई का आई रहेगा एज इट इज पूरा लंबा कोडिंग चल रही है सर वन फाइव वन फाइव का मतलब होता है ए और ई, ओके सर चौदह का मतलब होता है सर ए और फोर्टीन बस ये आपकी कोडिंग हो जाएगी तो आपको कोड देने का क्या तरीका था कि आप क्या करोगे इन दोनों की सबकी टोटल कर दोगे और आपके कोडिंग आप कर पाओगे ठीक है तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही है समझ में आ रही है, तो सेशन को आप लाइक कर दीजिए ये भी आपका क्या बनता है सर टाइप इलेवन बनता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्योंकि देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन पूरे क्यों करवा रहा हूं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एल में भर भर के ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं इस बात को भी आपको ध्यान रखना है बिल्कुल तो उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको सही लग रही है ठीक है अब देखते हैं हम नया टाइप अब देखते हैं अब आप हेडिंग डालीजिए आज आपका क्या है दूसरा पॉइंट स्टार्ट होने वाला है वो है सर वर्ड बेस क्या है वर्ड बेस वर्ड बेस कोडिंग डिकोडिंग वर्ड बेस कोडिंग एंड डिकोडिंग ये सबसे इजी कोडिंग है इस चैप्टर की सबसे इजी कोडिंग कुछ भी नहीं करना है आपका आंसर केवल आपके उसके जो लाइंस जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है उसी लाइन के अंदर आएगा यहां पर आपको ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ठीक है बस एकदम से इजी इजी क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाते हैं वर्ड बेस्ट कोडिंग ठीक है कंटेंट अच्छा लग रहा है थैंक यू विक्रम अंकित थैंक यू बहुत बढ़िया आप सभी का प्यार ऐसे बना रहे बस आप सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए देखिए जो भी बच्चे तैयारी करें आपके दोस्त हो या आपके जो भी हो ठीक है आप उनको इस क्लास को शेयर किए और आप देखिए सर जितना भी हमने जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम कंटेंट दे रहे हैं ये सब आप ही के लिए दे रहे इतनी हार्ड वर्किंग भी केवल आपके लिए की जा रही है तो सर वर्ड बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है सर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपने एग्जाम ऐसे सुना होगा सर ब्लू को व्हाइट कहा जाए व्हाइट को सर पर्पल कहा जाए तो ये सभी क्या है पॉइंट ये सब ऐसे क्वेश्चन वर्ड बेस्ड

है सर ब्लू को ब्लू को रेड लिखा जाए ब्लू को क्या लिखा जाए रेड लिखा जाए ठीक है सर जी सर रेड को रेड को सर व्हाइट लिखा जाए व्हाइट लिखा जाए सर वाइट को सर व्हाइट को ब्लैक लिखा जाए ब्लैक लिखा जाए सर ब्लेक को ब्लैक को सर पर्पल लिखा जाए बस ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ये क्या होता है सर वर्ड बेस्ड कोडिंग होती है क्वेश्चन नंबर वन मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूं तो आपको क्या ध्यान रखना इस चीज का देखो सवाल कैसे आते हैं आपसे बोला जाएगा मैं आपको सर देखो ह्यूमन बॉडी ह्यूमन ब्लड कलर मानव रक्त का मानव जो रक्त है उसका कलर क्या होगा इस बात को आपको ध्यान देना है पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया ठीक है सर जी सेकंड क्वेश्चन अब आप मैं आपको बोलूं देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर क्लियर स्काय क्लियर स्काय का क्या होगा मतलब साफ आसमान का कलर क्या होगा साफ आसमान का कलर क्या होगा तो ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट आपके एग्जाम में बनते हैं ठीक है बिल्कुल तो आपको ध्यान रखना है कि यहां देखिए अब क्वेश्चन का आंसर क्या उसमें छिपा हुआ है कि यार ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा तो आपको पता है सर रेड होता है रेड को क्या लिखा हुआ है सर व्हाइट लिखा हुआ है तो सर देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या छिपा हुआ उसका आंसर उसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर आपका हो जाएगा सर व्हाइट कलर हो जाएगा अब आपसे बोले सर क्लियर स्काई तो साफ आसमान का कलर कैसा होगा आपको इतना पता है कि सर साफ आसमान का जो कलर होता है वो होता है सर ब्लू रंग का बिल्कुल नीला आसमान होता है अब ब्लू को क्या लिखा गया है सर ब्लू को इसने क्या लिख दिया सर रेड कलर के अंदर लिख दिया है तो रेड लिखा जाए तो आपका इसका मतलब सीधा है सर क्लियर स्काई का जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा क्लियर स्काई सर बिल्कुल स्काय पर रेड कलर हो जाएगा तो इस बात का आपको ध्यान रखना है तो ऐसे क्वेश्चन क्या है आपके सामने डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं इस बात को भी आपको ध्यान रखना है ठीक है देखिए और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन बहुत बढ़िया ईजी आते हैं बहुत ज्यादा नहीं है ये देखो वर्ड बेस्ट के अंदर बहुत बढ़िया है डायरेक्ट आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं मैं आपको बोलू एक चीज कि सर वुड को लकड़ी को यदि इंक लिखा जाए यदि इंक लिखा जाए लिखा जाए सब इंक को इंक को इंक को सोप लिखा जाए सोप लिखा जाए सोप को पेन लिखा जाए पेन लिखा जाए सब पेन को पेन को उसकूल लिखा जाए लिखा जाए ऐसे क्वेश्चन आता को... को बुक लिखा जाए बस ये आपका क्वेश्चन आ गया अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे पूछेगा कि देखिए क्वेश्चन पूछेगा के लिखने के लिखने के लिए लिखने के लिए कोड क्या होगा लिखने के लिए क्या कोड होगा आप ये बताएंगे सबके सब ठीक है सर जी मैं आपको बोलूं के बच्चा पढ़ने कहा जाएगा बच्चा पढ़ने कहा जाएगा एक ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया ठीक है सर जी उसके बाद में मैंने पूछ लिया ठीक है आपको सर कमेंट से सेट सेट प्रैक्टिस में नंबर आने लगा है सर पहले 25 रीजनिंग में 15 ही सही होते थे और अब सर दो से तीन ही गलत होते हैं थैंक यू नीतीश आप इसी तरह प्रैक्टिस करें रोज क्लास देखते रहिए ठीक है देखिए अब आपके सामने मैंने दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है सर कोड में आपको दो क्वेश्चन पूछे गए सर लिखने के लिए कौन सा कोड होगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है सर लिखने के लिए आपको खुद को पता है पेन को अब पेन पेन से लिखा जाता है लिखा जाता है सर पेन तो पेन को क्या लिखा गया है सर उसको लिखा गया है

ये इस तरह आपको ध्यान रखना है कि सर ये कोडिंग जैसे आपको एग्जाम में आती है उस हिसाब से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है है ठीक तो उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही है बिल्कुल बताइए बहुत बढ़िया आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा रहा नहीं आप बताइए बिल्कुल तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं मैं आपको बोलू मैं आपको बोलू सर ब्लू को ब्लू को सर रेड लिखा गया है ठीक है सर जी सर रेड को रेड को ग्रीन लिखा गया है ठीक है सर जी मैं आपको लू सर ग्रीन को वाइट लिखा गया है सर व्हाइट को यहां पे ब्लू को रेड लिख दिया रेड को ग्रीन लिख दिया सर वाइट को व्हाइट को येलो लिखी गया बस ये आपसे पूछा तो क्वेश्चन कैसे आएगा सर क्वेश्चन पहला आपसे पूछेगा कि फ्रेश ग्रास का फ्रेश ग्रास का क्या कलर होगा पहले बात तो फ्रेश ग्रास का कलर आपसे पूछ लिया सर क्या आंसर आंसर हो सकता है तो आप का क्या तो आपका क्या आएगा ऐसा क्वेश्चन का आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे बिल्कुल ठीक है सर, तो सर तो ब्लड रिलेशन मुझे कभी समझ नहीं आता था लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया सर थैंक यू सो मच थैंक यू कोमल बहुत बढ़िया आपका अच्छा लगा आप सभी के कॉम्प्लीमेंट देखे देखिए अब देखिए दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे डायरेक्ट एग्जाम में आता है तो आपसे देखिए ये क्वेश्चन मैंने उठाया तो आपको छोटा सा इस क्वेश्चन को मैंने अभी एग्जाम्पल में भी करा दिया कि सर यदि काला कालाकर्द गुलाबी है गुलाबी का नीला है नीले का सफेद है सफेद का पीला है पीले का लाल है तो लाल तथा लाल भूरा है तो साफ आसमान का रंग क्या होगा पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लिया सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि रोज का कलर क्या होगा गुलाब का कलर क्या होगा गुलाब का कलर क्या होगा ये बताइए आप तो ठीक है अब आपको ध्यान रखना है सर, साफ आसमान का रंगा सब ब्लू होता है लेकिन ब्लू को इसने क्या लिखा है सर लिखा है नीला क्या है सर सफेद है क्या है सफेद है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर पहले का व्हाइट आ जाएगा अब आप खुद बोलोगे सर गुलाब का कलर होता है सर रेड होता है बिल्कुल रेड होता है तो रेड को इसने क्या लिखा है सर रेड को लिखा है लाल क्या है भूरा है तो सर आपको खुद को पता है गुलाब का कलर क्या है भूरा होता है क्या तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर भूरा है बिल्कुल यहाँ पे ब्राउन कलर है ये ब्राउन कलर का हो जाता है अब आजकल क्या गुलाब भी क्या है ब्राउन कलर के मिलने लग जाएंगे आपको कोडिंग डिकोडिंग हो हमारी रीजनिंग में कुछ भी संभव हो सकता है इस बात को आपको ध्यान रखना है ठीक है ओके अब देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि इरेजर का अर्थ बॉक्स है बॉक्स का पेंसिल है सर पेंसिल का अर्थ क्या है पेंसिल का अर्थ है शॉर्पनर शॉर्पनर अर्थ है बेग तो बच्चा क्या लिखा हुआ है किससे लिखेगा

वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया ग्यारह से बारह टाइप मैंने कंप्लीट कराए उसके बाद में मैंने आपको वर्ड वाली किया इसमें आपको खुद को प्रैक्टिस करनी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं आप आराम से कर पाएंगे बिल्कुल ठीक है तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं जब तक मैं आपको अब आप क्वेश्चन आपकी सीरीज स्टार्ट होने वाली है बस थोड़ा सा रेडी हो जाइए क्वेश्चन करने के लिए बढ़िया ढंग से तो आप सभी तैयार है नहीं है एक बार कमेंट करके बताइए सर कि बिल्कुल तैयार है तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आ चुका है देखिए

तो आपको क्या करना है इसके लिए इसके लिए कुछ भी नहीं करना निश्चित कूट भाषा जैसी कूट भाषा में लिखा गया है वैसे हम करेंगे तो एफ का मतलब होता है सर यू सर फन होता है इंडियन रेलवे होता है एन का मतलब एम होता है और एन का मतलब होता है मेरा तेरा बिल्कुल सर जी इसका मतलब रिवर्स लेटर में लिखा था तो सर पी का उल्टा क्या होता है सर कपिल होता है ये दूध वाला है सर जी सर ये डी आ चुका है के का उल्टा सर पी आ चुका है के डब्ल्यू डी पी के डब्ल्यू डी पी कौन से ऑप्शन में है सर ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो गया देखते ही हमने क्या किया आराम से कर लिया ठीक है सेकंड क्वेश्चन आपकी पर है बढ़िया तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं कि कल जो क्लास होने वाली है कोडिंग डिकोडिंग की वो सबसे शानदार क्लास होगी इसमें मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस लेवल कैसे कोडिंग में बनते हैं आपके एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो थर्ड क्लास में आपको बताने वाला हूँ वो है कोडिंग डिकोडिंग की वो तो बहुत प्यारी क्लास रहने वाली है इसमें हम कंप्लीट जो थर्ड टाइप का पढ़ते हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करेंगे थर्ड क्लास को लेना ना बोलेंगे कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग इस बात को आपको ध्यान रखना है तो यहां देखते हैं सर जनरेशन को ये लिखा गया है तो फिर उस भाषा में एजुकेशन को क्या लिखा जाएगा अब आप कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर होना चाहिए बढ़िया तरीके से आप सभी देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है सर जनरेशन दिया हुआ है जनरेशन यहां पे दिया हुआ है जनरेशन तो जनरेशन को क्या लिखा जाएगा ठीक है तो यहाँ लिखा हुआ है सर डी लिखा गया है यहाँ पर एम लिखा गया है फिर लिखा हुआ है सर D, लिखा Q, लिखा जेड फिर लिखा हुआ है एस फिर लिखा हुआ है एच एन और एम बताएंगे क्या आंसर होने वाला है बिल्कुल किस किसने मेहनत करी है और कितनी मेहनत करी है बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है वर्ड दिया हुआ है सर ये सात पर आता है और ये छ पर आता है ये पांच पर है ये चार पर है ये चौदह पर है ये तेरह पर इसका मतलब सब में माइनस वन माइनस वन माइनस वन चल रहा है क्या चल रहा है बिल्कुल माइनस वन चल रहा है तो हम माइनस वन माइनस वन हो गया तो हम सब में हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा सर माइनस वन से आ जाएगा तो क्या आंसर हो गया यहां सर यहाँ पे दिया हुआ एजुकेशन ई से पहले क्या आता है डी आता है सर डी से पहले क्या आता है सी आता है ठीक है डी और सी आ चुका है उसके बाद में यू से पहले क्या आता है सर टी आता है बिल्कुल सी से पहले आता है बी आता है डी सी टी बी अब डी सी टी बी कहीं आ रहा है क्या बिल्कुल यहां पर नहीं आ रहा सर और यहाँ पर भी नहीं आ रहा दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन बचे हैं सर सी से पहले क्या आता है बी उसके ए से पहले आता है जेड ए से पहले जेड आ रहा है बिल्कुल आ रहा है लेकिन यहाँ पर हाँ जेड आ रहा है बिल्कुल वहां पर जेड आ रहा है सर टी से पहले एस आ रहा है एस आ रहा है आई से पहले क्या आ रहा है सर आई से पहले एच आ रहा है आई से पहले दोनों में एच आ रहा है बिल्कुल आ रहा है एच आ रहा है ठीक है ओ से पहले क्या आ आ रहा रहा है है और एन से पहले एम रहा है तो देखिए अब कहा कौन से ऑप्शन में बन रहा है सर देखिए यहां पर बन रहा है एस एच एन एम एस एच एन एम नहीं है तो सर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी सभी क्या रहा है वेरी गुड बहुत बढ़िया पर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं और मैं आपको बोलू इसको आप डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगा लीजिए ये भी क्या है आपका टाइप आजकल एग्जाम में बनने लग गया है और कौन से एग्जाम में आया हुआ है आप खुद देख सकते हैं ये आया हुआ है सर एन टीपीसी कहाँ पर दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन आया हुआ है अब आप खुद बताएंगे कि यहाँ पर एलिफेंट को लिखा क्या गया है बहुत प्यारा सवाल है बढ़िया सवाल है इसको आप अपने नोटबुक में भी उतारना ट्रिपल स्टार लगा लीजिए क्योंकि ऐसा भी पैटर्न आजकल एग्जाम में बनने लग गया है कोडिंग एंड डिकोडिंग लगता आसान है लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है देखते हैं करते हैं यहाँ पर एल सर यहाँ पर एच दे रखा है, 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 है? नोट्स बना रहे हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पर एलिफेंट को सर इस कूट भाषा में लिखा गया है तो आपकी नजर क्या होनी चाहिए सबसे पहले मुझे ध्यान देना है सर अल्फाबेट क्यू नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग मुझे याद है सर ईजोटी में पांच ये बारह ये फिर पांच ये सर सोलह पर है ये आठ पर है ये एक पर है ये चौदह पर है टी ट्वेंटी पर है ठीक है यहाँ देखेंगे सर है 20 है 5 है 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 ये 8 है, ये अपने और ये सिक्सटीन है तो मुझे इस चीज का बिल्कुल अंदाजा ये लगा कि कहीं ना कहीं सर ये इसी से बना हुआ तो नहीं है कहीं कि सर मुझे देखो इसका रिवर्स भी नहीं लग रहा सर देखो अब आपको ध्यान रखना सर ये एन यहां पर है तो सर एन यहां पर है सर टी पर है तो टी यहां पर है तो सर कोडिंग कैसे चल रही है कोडिंग कोडिंग ऐसे चल रही है? आ, कोडिंग चल रही रही है है तो सर यहाँ पर क्या एन को यहां लिख दिया इसने ठीक है लिख दिया सर टी को क्या लिख दिया बिल्कुल लिख दिया टी को ऐसे लिख दिया ठीक है सर जी फिर आप ध्यान रख इस चीज का ध्यान रखोगे सर ई एल कहां से आया है ई एल यहां से आया है तो सर यहां पर ई एल आया है ये ई एल आ गया ठीक है सर जी सर देखो इसने क्या किया एच को कोई चेंज नहीं किया ये लो एच कोई चेंज नहीं ई e, ए को भी चेंज नहीं किया सर नहीं किया इन दोनों को चेंज नहीं किया ई e और बी कहा से आए सर ई e यहां से आ गया और पी यहां से आ गया ठीक है तो सर बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड कोटिंग हो गई है तो उसी प्रकार हम उस वर्ड का भी लिख देंगे तो इस वर्ड को हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे देखिए आपको पता है लास्ट वाले दो थे वो आगे लिख देंगे सर लास्ट वाले दो थे जो आगे लिख देंगे वो आ गया सर डी और ए आ चुका है डी और ए डी एस एस सी ए को हटाइए आप तो इस ऑप्शन से हटा दीजिए उसके बाद में यहां देखेंगे सर ये जो ई एल थे वो क्या आगे जस्ट इसके पास में तो एन और इसके पास में आ गए ए और एन तो ए और एन आ गए तो सर ए और एम है हटाइए सर इसको भी A और एम है हटाइए सर तो ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन डी आ चुका है ऑप्शन कट करने भी आनी चाहिए एग्जाम है, में में हमें टाइम मैनेजमेंट को भी साथ में चलना है कंप्लीटली नहीं करना आप कंप्लीट सोल्व करोगे तो एग्जाम से बाहर हो जाओगे इस बात को आपको ध्यान रखना जो क्योंकि ऑप्शन टेस्ट इसलिए तो उसने ऑप्शन बनाए हैं ऐसे तो बिल्कुल तो ओ और एन को चेंज नहीं किया तो ओ और एन आ चुका है और लास्ट में कौन बचेगा लास्ट में सर ये देखिए एल ई थे ई और पी कहां थे सर यहां थे आप खुद बताइए यहाँ पर

तो सर सत्रह है सर यहां नौ है तो सर यहां है।, है तो सर अब देखो इसका मतलब हमें डायरेक्ट कोडिंग नहीं हो रही है तो हम बिल्कुल उतारेंगे पर सर सिंपल ये सिंपल नाम से सिंपल है लेकिन कोडिंग अलग दी गई है क्यू एम डब्ल्यू आई सर पी और टी ठीक है सर जी। अब क्या करेंगे अब हम अपना दिमाग लगाएंगे दिमाग कैसे लगाएंगे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे नंबरिंग सर 19 आ चुका है नौ आ चुका है तेरह मेरा आ चुका है सोलह साल का प्रिंस है ये तो आपको ध्यान रखना है राजेश राजन क्या पूछ रहे हैं आप एक बार वापस कमेंट करिए प्लीज रिप्लाई भी तो बताइए क्या डाउट आ रहा है तो देखेंगे यहां एक बात को ध्यान रखना है कि सर हम कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को आप बताएंगे सर ये सर देखिए यहां सत्रह था तो माइनस टू हुआ सर ये क्या हुआ प्लस फोर हुआ सर यहां पर दस नहीं है आप एक बार ये देख लीजिए एम को सत्रह पर गया प्लस फोर हुआ प्लस फोर हुआ सर एस को उन्नीस चार सर प्लस फोर हुआ सर ऐसे सर प्लस फोर हुआ तो इसका मतलब सर ऐसे प्लस फोर हुआ ऐसे भी प्लस फोर हुआ और सर इसको ऐसे करने पर भी प्लस फोर हुआ तो कोडिंग क्या हमारा क्या चल रहा है पैटर्न ऐसा पैटर्न चल रहा है क्या ऐसा हो रहा है पांच और चार नो होता है सोलह चार बीस होता है टी ट्वेंटी बारह चार सोलह साल का प्रिंस तो उसी प्रकार ईगल्स में भी हम करने वाले हैं अब डायरेक्ट करेंगे जी सात पर आता है सात चार ग्यारह ग्यारह पर क्या आता है सर के आता है के से हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी बिल्कुल हो रही है पांच पर था नो नो पर क्या आ गया आई आ गया बीच वाला ए था ए एक पर आता है चार जोड़ देंगे तो सर क्या आ जाएगा पांच के ई आई के ई आई होना चाहिए सर के ई आई नहीं है यहाँ पर आप तीनों में के ही आई है सो सर एस उन्नीस पर चार जोड़ोगे तो तेईस पर डब्ल्यू आ जाएगा एल बारह पे था सोलह पर क्या आ जाएगा प्रिंस आ जाएगा और बीच वाले में चार जोड़ेंगे पांच और नौ आई तो डब्ल्यू आई पी तो डब्ल्यू आई पी क्या आ जाएगा के ई आई डब्ल्यू आई पी बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो वन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैसे लिया क्योंकि सर हम देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेने का टाइम दीजिए बिल्कुल आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आराम से को ले से हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आप ये पैटर्न भी आजकल एग्जाम में फॉलो होता है इस बात को भी आपको ध्यान रखना है तो ये क्या है डायरेक्ट आप आंसर कर पाएंगे ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा आपके सामने क्वेश्चन एन टीपीसी दो हजार सोलह के क्वेश्चन आपसे एन टी पीसी में पूछा गया था तो आपको क्या करना है यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना है बर्ड अब देखिए चार वर्डो में लिखा हुआ है कि चार अक्षरों से बना हुआ है बट वहां पर दिया हुआ ई एन और एम आप कैसे करेंगे अप्रोच सर दो नौ अठारह और सर ये आता है चार पर ये पांच पर आता है ये फोर्टीन पर आता है यह ट्वेंटी टू पर आता है तो बताएंगे कैसे अप्रोच करेंगे कि सर क्या किया जाए कैसे करा जाए सवाल को ये बताएंगे बताइए कमेंट करके बताइए सर क्या आंसर हो सकता है बढ़िया तरीके से बताएंगे सबके सब बहुत प्यारा सवाल है स्टार लगा लीजिए डबल स्टार वेरी इंपॉर्टेंट टाइप मैंने आपको बार बार कहता हूं कि स्क्वायर याद होने चाहिए क्यूब याद होने चाहिए मैं आपको बोलता हूं सर प्राइम नंबर कौन से होते हैं ओल्ड नंबर के बारे में होती है ये सब क्या है कहीं ना कहीं सब चीजें जुड़ी भी होती है बस 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 ये है पूछने का उसका तरीका चेंज हो जाता है तो आपको इस बात को ध्यान रखना है लेकिन राजन सिंह कह रहे थे छह सात वीडियो नहीं देखे देख सकते हैं पहले पहले पुराने पुराने वीडियो वीडियो कवर कवर कर ले पहले पुराने वीडियो कवर करने पड़ेंगे आपको राजन जी तब जाके आप आगे क्लास लो नहीं तो आपको ऊपर से जाएगी चीजें समझ में नहीं आएगी देखिए यहां दो पर था तो कितना हुआ सरप्लस तीन हुआ यहां नौ पर था तो प्लस कितना हुआ सरप्लस पांच हुआ यहां अठारह पर था बाईस पर था अठारह से बाईस पर हुआ से बाईस पे हो सर वापस क्या हुआ प्लस फोर हुआ एक मिनट देखिए मून को अच्छा मून को यहाँ पे अट्ठारह चार बाईस हुआ प्लस फोर हुआ ठीक है और सर डी पर था चार पर था तो आ जाएगा नौ एक मिनट बेटा एक मिनट इस क्वेश्चन को आपको तो चेंज करना पड़ेगा बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन सही नहीं बना हुआ है या तो फिर उसने टाइपिंग ने मिस्टेक किया है आपको क्या करना है सर बड़ी की जगह क्या करना है यहाँ पे ई e, एन तो हो गया सर यहाँ पे तीन जुड़ा फिर पांच जुड़ा फिर अठारह वाई करो आप वाई यहाँ पे वाई कर लो वाई वाई कर लो अब क्वेश्चन सही हो गया ई एन वाई और एम अब कैसे सही हुआ सर देखो प्लस तीन किया ये पांच पर आता है सर प्लस चार किया प्लस चार किया ई एन हो गया ना एक मिनट यहां पर सर प्लस फाइव किया प्लस फाइव किया प्लस फाइव किया तो सर चौदह पर आ गया यहां पर फोर्टीन नौ पांच चौदह अट्ठा पर था सर प्लस सेवन किया तो प्लस सेवन करेंगे तो कितना आ जाएगा सर पच्चीस पर आ जाएगा भाई ठीक है सर जी सर फिर क्या किया आपने यहां पर सर प्लस नाइन किया तो तेरह पर क्या आ गया एम आ गया बिल्कुल आ गया सर क्या क्या चल रहा है सर प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस

बस बिल्कुल ठीक है तो मैंने क्वेश्चन को चेंज करवा दिया ई एन वाई एम कर देना ई एन वाई एम ठीक है बिल्कुल पे इस बात को आपको ध्यान रखना सर क्या कोडिंग चल रही थी कोडिंग ये चल रही थी सर प्लस क्या हो जाएगा प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस, प्लस सेवन और प्लस नाइन ठीक है बिल्कुल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है तो बताएंगे सर क्या आंसर हो सकता है तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ए बी ए एन डी ओ एन इसको क्या लिखा गया लिखा गया सर एच आई एफ आर जी क्यू ओ ठीक है अब देखिए यहां सर वन है टू है वन है फोरटीन है फोर है फिफ्टीन है फोरटीन है सर यहाँ कितना है, 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 है सर एट नाइन सिक्स एटीन सेवन सेवनटीन फिफ्टीन बताएंगे क्या आंसर होगा सबके सब बताएंगे कमेंट करके सर क्या आंसर हो रहा है बताइए बताइए कमेंट करिए सर ये आंसर होगा और कंफर्म ही ये आंसर होने वाला है मुझे आंसर से मतलब है आप सबके सब आंसर बताएंगे सर ये आंसर होगा आपका यहां पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ एक मिनट रुको एच आई एफ एच आई एफ आर जी क्यू बेटा एक मिनट आपको क्या करना है यहां पर एक चीज को चेंज करना है यहां पर भी क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक इसने ये करी है ए हो गया है यहां पर एफ हो गया है एक मिनट ये प्लस का हो जाएगा है देखिए यहां कितना डिफरेंस आ रहा है इसने प्लस सेवन किया है यहां कितना आ रहा है सर आई की जगह क्या, क्या करो आप एच कर लो यहां पर यहां पर भी आई की जगह एच होगा सवाल क्या होगा एच एच एफ आर जी क्यू ओ ये वाला क्वेश्चन होगा यहां पर क्या करना आपको एच करना अब इसका रीजन क्या मैं आपको बता देता हूं क्या रीजन है रीजन ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सर मैंने यहां पर प्लस सेवन किया तो एच आ गया सर यहां पर यदि तो 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 अट्ठारह प्लस तीन करूंगा तो जी आ जाएगा या प्लस टू करूंगा तो सत्तर आ जाएगा या प्लस वन करूंगा तो सर क्या लॉजिक चल रहा है सर पहले में प्लस सिक्स फिर प्लस फाइव ठीक है यहां पर फाइव देखो प्लस सेवन चल रहा है सर क्वेश्चन तो क्या पूछा गया है सर इसको क्या लिखा जाएगा तो आपको खुद को पता है कि सर नाइन पर नाइन पर आता है तो नाइन में आप नाइन में सेवन जोड़ोगे तो सोलह साल का प्रिंस ठीक है सर सी तीन पर आता है उसमें छह जोड़ोगे तो नो पर क्या आता है आई ठीक है सर पांच पर ई है तो पांच जोड़ोगे तो दस पर क्या आ जाएगा जे आ चुका है ओके सर जी उसके बाद में सर बी पर दो आता है दो के अंदर आप चार जोड़ोगे तो छह पर क्या आता है एफ आता है पंद्रह पर ओ आता है चार जोड़ोगे तो एस आ जाएगा सर यहाँ पर आप ए में तीन जोड़ोगे तो कितना आ जाए देखो तीन तीन जे सात का है ना बिल्कुल सात छह पाँच चार तीन दो तो आपको सामने क्या आंसर आ रहा खुद बताओ क्या आंसर आ रहा है सर यहाँ पे पी आई जे यहां पर आ गया सर पी आई जे एफ पी आई जे एफ यहाँ पर आर आना चाहिए देखो वापस एक बार मैं वापस जोड़ के दिखा देता हूँ आपको सर देखो ये नाप नो पर था सात जोड़ेंगे तो सर सोलह पर पी आ गया सर ये तीन पर था जोड़ेंगे तो सर आई आ चुका है ठीक है सर सर जी फिर सर ये पांच आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा दस पर आ जाएगा जे सर ये दो पर था चार जोड़ो तो छे आ, पी आई जे एफ पी आई एफ ठीक है सर आपके बाद में पंद्रह पर था ओ पंद्रह पर था ओ सर इसमें तीन जोड़े तो आर आ जाएगा ठीक है सर जी सर ये वन पर था इसमें आप दो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा सी आ जाएगा और सर ये क्या है पर यू आता है लेकिन आपके सामने ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है ये भी नहीं हो सकता है पी पी आई आई जे जे एफ एफ आर आर सी आर सी यू तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन गया वो बन गया सर ऑप्शन नंबर सी बलिया सभी के ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है सर सुपर को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में क्लीन को क्या लिखा जाएगा ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया सर लिखा हुआ है सर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को सोल्व कर दो ऑप्शन में आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप लेकिन मैं पूरा कंप्लीट तो कराऊंगा कि कैसे आपको आया देखो यहाँ लिखा हुआ है सुपर सुपर लिखा हुआ है ठीक है और फिर लिखा हुआ है सर सुपर को क्या लिखा है सर जेड है एक्स है यू है डब्लू है और जे है ठीक है बिल्कुल सभी के कमेंट में पढ़ रहा हूँ देखिए मोबाइल में पढ़ रहा हूँ बिल्कुल आप सभी के कमेंट आ रहे हैं बिल्कुल अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ क्या आंसर होगा सबके सब कमेंट करके सर ये उन्नीस है सर ये इक्कीस साल का युवा है ये सोलह साल का प्रिंस है ये पांच पर आता है ये एटीन पर आता है और आपसे पूछ रहा है सर ये ट्वेंटी सिक्स है ये ट्वेंटी फोर है ये ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री और ये टेन पर आता है अब देखिए यहां पर क्या लॉजिक चल रहा है हमने सबसे पहले नंबरिंग कर ली तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सर देखो यहां आपको ध्यान है कि सर कैसे अप्रोच करें सवाल को आप देख सर एस को अपने प्लस किया कितना सेवन ठीक है प्लस सेवन कर लिया यहां पे सर प्लस तीन हो रहा है सर ये कितना हो रहा है प्लस पांच हो रहा है तो सर कोई लॉजिक नहीं चल रहा तो आपको क्या करना है यहां पर देखते हैं हम प्लस एक बार देखो यू को हम क्या करते हैं प्लस फाइव करते हैं ठीक है यहां पर एस में क्या करते हैं सर प्लस फाइव करते हैं लॉजिक ये चल रहा है सर दोनों साइड में क्या है यहां पर प्लस फाइव हुआ पर भी प्लस फाइव हुआ क्या सर बीच में प्लस फाइव हो रहा है बिल्कुल हो रहा है सोलह पांच इक्कीस होता है सर प्लस फाइव यहाँ पर भी प्लस फाइव बीच में भी क्या हो रहा है, रहा है सर प्लस फाइव साइड में वापस क्या हो रहा है प्लस फाइव और प्लस फाइव ठीक है तो उसी प्रकार क्वेश्चन क्या पूछा गया है सर क्लीन को पूछा गया है तो सी एल ई एन क्लीन अब क्लीन के अंदर क्या है यहां पर सर बीच में आ रहा है जे अब जे किस किस में आ रहा है बीच में सर सभी में आ रहा है सर देखो बारह में पांच जोड़ोगे तो सत्रह सत्रह पे आ रहा है क्यूँ तीन में पांच जोड़ो तो एच क्यू एच जे क्यू एच जे आ रहा है क्यू तो ह, क्यू एच एच जे जे इसमें नहीं आ रहा है इसमें दोनों में आ रहा है और लास्ट में क्या करेंगे सर एन में जोड़ देंगे पांच तो सर एस आ जाएगा यहां पे पांच जोड़ो तो एफ आ जाएगा तो आंसर क्या आ गया क्यू एच जे एस एफ तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट क्या चल रही थी सब प्लस फाइव प्लस फाइव करने थे और बीच में भी क्या हो रहा था सब में प्लस फाइव हो रहा था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बना है ये टीचर के लिए नहीं बना ये आपके लिए बना इसको आप ही रहा करोगे क्या आंसर हो सकता है इस बात में आपको ध्यान देना है लिखा हुआ है कि सर ब्रीफ एक निश्चित तरक के बाद ये बन जाता है उसी प्रकार उसी तरक का अनुसरण करते हुए इस ब्रेड को ये बना दिया जाता है तो चार्ट को क्या बना जाएगा सबसे पहले एक को सोल्व कर देते हैं सर बी आर आई ई एफ ठीक है उसके बाद में से इसको बना क्या दिया आर आई एफ ई बी अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पर देखिए यहां क्या था सर एफ ई बी आ रहा है आर आई कहां से उठाया श्री बीच वाला आर आई आ गया सबसे पहले आगे ये आ चुका आगे ठीक है आगे ओके सर ई e एफ कहां से उठाया सर ई e एफ यहां से उठाया लास्ट वाला तो सर अब इसको भी उल्टा इसने क्या कर दिया एफ ई -E कर दिया और लास्ट में सर बी था जो यहाँ पर आ गया सर ऐसा चार्ट में होगा बिल्कुल देखते हैं सी एच ए सबसे पहले सर ये दो वर्ड थे इन दोनों को उठा के एज इट इज रखना आर आई था तो मैंने क्या कर दिया सर एच और ए कर दिया क्या कर दिया एच ए एक मिनट ऐसा संभव है क्या बिल्कुल देखते हैं सर ब्रीफ को इसने लिखा आर आई आर आई लिख दिया ठीक है R -I -F -E -B. उसी से को इसने क्या लिखा ब्रेड को लिखा सर आर ई को इसने उठा के रख दिया आर ई ठीक है फिर लिख दिया सर लिख दिया ठीक है दी दी ए, और लास्ट वाले लिख दिया डी क्या किया जाए बताइए क्या आंसर हो सकता है क्या सर एक ऐसा लॉजिक चल रहा है सर ये लॉजिक तो फेल हो गया आप वाला क्या हम इसको हम मिल सकते हैं अल्फाबेट ऑर्डर में देख सकते हैं क्या अल्फाबेट ऑर्डर में अल्फाबेट ऑर्डर का मतलब होता है सर असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर भी चेक कर सकते हो सर असेंडिंग ऑर्डर भी क्वेश्चन आ सकता है सर डिसेंडिंग ऑर्डर भी क्वेश्चन आ सकता है घटते क्रम में बढ़ते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर तो मुझे ऐसा लगता है कि सर सबसे पहले आपको यह ध्यान देखना है सबसे बड़ी वैल्यू थी अट्ठारह पर सर नौ पर फिर छह पर फिर पांच पर फिर दो पर तो उसी प्रकार डायरेक्ट हमें समझ में आ गया चार्ट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है सर टी है फिर सर आर पर अट्ठारह है फिर उसके बाद में एच है सर उसके सर उसके बाद में पर सी है और फिर ए आ गया तो बिल्कुल सर जी क्या पैटर्न चल रहा है सर पैटर्न चल रहा है अल्फाबेट ऑर्डर में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में में तो बिल्कुल सर घटते क्रम है डिसेंडिंग ऑर्डर तो टी आर एच सी इस का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो ये पैटर्न भी आपने नोटबुक में लिख लेना कमेंट बिल्कुल अपनी ये टाइप नंबर क्या लिख लेना टाइप नंबर बारह लिख लेना सर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्वेश्चन आ सकता है इस बात को भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो सर समय की थोड़ी सीमा हमें ध्यान रखनी है आपको पता है तो ये आपके क्या है एसडब्ल्यू में दे रहा हूँ आपको पहला क्वेश्चन तो है बिल्कुल क्लास की शुरुआत हम यहीं से करेंगे सबके कमेंट आने चाहिए दूसरा है और तीस... ये ये से मैं बिल्कुल बाद में ये दो मैंने क्वेश्चन आपको एसडब्ल्यू दिए हैं ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करने है कि सर बिल्कुल ये बाकी सर मैं कल बहुत सारे क्वेश्चन आपको और करवाने वाला हूँ लास्ट क्लास में ठीक है बिल्कुल तो आज के लिए बिल्कुल इतना ही उम्मीद कर रहा हूँ कि चीजें आपको समझ में आई होगी क्लास आपको अच्छी लगी होगी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप आराम से टेस्ट सीरीज लगाइए बिल्कुल आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइए उसमें देखिए सर हमारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे ठीक है थेके? तो आपको सेशन को लाइक करना है कमेंट करना है थैंक यू ऑल ऑफ यू